हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीके सेशन। दिस इज योर न्यू जीके चैप्टर एंड द टॉपिक इज प्लेसेस इन माय स्कूल। प्लेसेस मींस वो जगह जो हमारे स्कूल में होती हैं। हमारे जैसे हमारे घर में, मैंने आपको बताया था, हमारे घर में डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, लाइक लिविंग रूम, स्टडी रूम, किचन, बाथरूम। इसी तरीके से हमारे स्कूल में भी डिफरेंट रूम्स होते हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वी यूज़ डिफरेंट रूम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। आपने देखा होगा आपके स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट रूम्स हैं, तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। दिस इज़ प्रिंसिपल्स रूम, जहाँ पर आपकी प्रिंसिपल मैम बैठती हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स रूम, प्रिंसिपल मैम का या प्रिंसिपल सर का रूम। पिक्चर को ध्यान से देखिए। एंड द सेकंड वन इज, व्हाट इज दिस? दिस इज लाइब्रेरी, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं और हम वहाँ से स्टोरी बुक्स और अपनी अदर नॉवल या कॉमिक्स वगैरह रीड करने के लिए वहाँ से बोरो करते हैं कुछ टाइम के लिए। और जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, सभी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, वो प्लेस होता है लाइब्रेरी। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है, आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो दिस इज़ लाइब्रेरी। एंड द थर्ड पिक्चर इज़, वॉट इज दिस? दिस इज प्ले रूम। आपके स्कूल में भी प्ले रूम है, जहाँ पर बहुत सारे टॉयज होते हैं, स्विंग्स होते हैं, जहाँ पर आपकी टीचर आपको ले जाती हैं और आप वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, स्विंग्स लेते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, तो दिस इज प्ले रूम। एंड द फोर्थ वन इज एक्टिविटी रूम, जहाँ पर हम एक्टिविटी करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिविटी रूम, जहाँ पर मैम आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराती हैं, चाहे वो कलर से रिलेटेड एक्टिविटी हो या शेप से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो या साइंस से रिलेटेड एक्टिविटी हो, जहाँ पर हम ये सभी एक्टिविटीज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिविटी रूम। एंड द नेक्स्ट इज़ स्कूल कैंटीन। आपके स्कूल में भी स्कूल कैंटीन है, जहाँ से आप चिप्स, बिस्किट और बहुत सारी खाने की चीज़ें परचेज करते हैं, उसे कहते हैं स्कूल कैंटीन, जहाँ पर आप लंच टाइम में एडिबल थिंग्स परचेज करते हैं, उसे हम कहते हैं स्कूल कैंटीन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल रूम, जब भी ड्यूरिंग द प्ले पीरियड अगर आपके किसी फ्रेंड को चोट लग जाती है, वो इंजर्ड हो जाता है, तो जहाँ पर उनको फर्स्ट एड दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें पट्टी की जाती है, उनको फर्स्ट एड दी जाती है, उनकी टेक केयर की जाती है, जब भी वो उनकी तबीयत ख़राब हो या अनईजी फील कर रहे हो, तो उस जगह को हम कहते हैं मेडिकल रूम, तो दिस इज़ मेडिकल रूम। एंड द लास्ट वन इज़, वॉट इज़ दिस? दिस इज़ कंप्यूटर रूम। आपके स्कूल में भी कंप्यूटर रूम है, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और हम कंप्यूटर प्रैक्टिकल के पीरियड में वहाँ पर जाकर कंप्यूटर को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं, तो ये है हमारा कंप्यूटर रूम। तो अब आपको पता चल गया होगा स्कूल में कौन कौन से डिफरेंट रूम होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, प्रिंसिपल्स रूम, लाइब्रेरी, प्ले रूम, एक्टिविटी रूम, स्कूल कैंटीन, मेडिकल रूम, कंप्यूटर रूम। तो अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। पेज नंबर 23, प्रैक्टिस टाइम। विहान इज न्यू टू द स्कूल एंड फॉरगॉट द वे टू द स्कूल कैंटीन वेयर हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर हिम। विहान, ये बच्चा स्कूल में नया है और ये स्कूल कैंटीन
में जाने वाले रास्ते को भूल गया है, फॉरगॉट मीन्स भूल जाना। तो वो रास्ता जो स्कूल कैंटीन की ओर जाता है ये भूल गया है, जहाँ पर इसका फ्रेंड इसका वेट कर रहा है, हेल्प हिम रीच द कैंटीन। तो आपको विहान की हेल्प करनी है कैंटीन तक पहुँचने के लिए। देखिए ये है स्टार्ट, यहाँ पर विहान है और ये है स्कूल कैंटीन जहाँ इसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा है। तो आपको विहान की हेल्प करनी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको देखना है कि वो कौन सा रास्ता है जहाँ से विहान स्कूल कैंटीन जा सकता है। तो ये था आपका होमवर्क, आपको इसे कंप्लीट करने के बाद इसकी पिक व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करनी है। बाय बाय, विल मीट अगेन।